छतरपुर एमपी में आचार संहिता लगने के बाद छतरपुर कलेक्टर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विधानसभा निर्वाचन की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जीआर ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निर्वाचन कार्यक्रम की जानकारी दी और आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी जीआर ने स्टैंडिंग कमेटी के पश्चात पत्रकार वार्ता की और जिले में विधानसभा निर्वाचन स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अंतर्गत जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 17 नवंबर को होगा। नामांकन पत्र नोटिफिकेशन की तिथि 21 अक्टूबर रहेगी। नामांकन पत्र 30 अक्टूबर तक लिए जाएंगे। देखिए, अभी जैसे मैंने बताया, सोशल मीडिया पे कोई भी ऑब्जेक्शनेबल यदि मटेरियल आता है जो कि अपराध की श्रेणी में आता है, यदि दो वर्गों के बीच, दो समुदायों के बीच, दो जातियों के मध्य, दो वर्गों के मध्य यदि उससे कोई विद्वेष उत्पन्न होता है तो निश्चित तौर पे आईपीसी की धाराओं के तहत उसमें अपराध पंजीबद्ध होता है। और जहाँ तक साइट्स को बंद करने का या कंटेंट को हटाने का वो है, तो ये यदि इंडिविजुअल हमारी निगाह में आ जाता है तो उस पर कोई टाइम नहीं लगता, परंतु जो इनकी प्लेटफॉर्म्स हैं, लाइक जैसे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, और इस पर यदि कोई अननोन आदमी पोस्ट कर रहा है तो उसको ब्लॉक करने के लिए हम लोग इनके जो नूडल्स रहते हैं, गुड़गांव में ही बैठते हैं और हमारा मेल सभी से होता है, उनको हम मेल करते हैं और फिर उनके यहाँ ये प्रोसेस में रहता है, तो कभी जल्दी भी हो जाता है, कभी कुछ दिन भी लगते हैं, परंतु वो 100% ब्लॉक हो जाता है, कंटेंट हटा लिया जाता है। पर ये डिपेंड करता है कि सोशल मीडिया पे या सोशल प्लेटफॉर्म पे किस तरह का कंटेंट है, और यदि मैंने फिर रिपीट किया अपराध की श्रेणी में, तो निश्चित तौर पे उसमें आईपीसी के धाराओं में कार्रवाई होगी। आने वाले चुनाव को लेकर सर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं? इस बार जो हमारे जनरल असेंबली के इलेक्शंस अनाउंस हुए हैं, उस हिसाब से आज तारीख 9 अक्टूबर को ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, और इलेक्शंस का डेट जो है वो 17 नवंबर को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा तय की गई है। जो इलेक्शन नॉमिनेशंस फाइल करने का तारीख 21 से लेके 30 तक रहेगी, स्क्रूटिनी जो है वो 31 को रहेगा, और नाम वापस लेने का तिथि 2 नवंबर को रहेगी। काउंटिंग जो है 3 दिसंबर को एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अनाउंस हुआ है। और आदर्श आचार संहिता के बारे में आज सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ एक मीटिंग भी लिया गया है, जो स्टैंडिंग कमेटी के, और उनको ब्रीफ भी किया गया है आदर्श आचार संहिता के बारे में, और लगातार कार्रवाइयाँ भी जारी है। जो पब्लिक डिफेसमेंट, पब्लिक प्रॉपर्टी पे जो डिफेसमेंट है, वो संपत्ति, मध्य प्रदेश संपत्ति विरूपण अधिनियम अंतर्गत हमारे सारे जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज अंतर्गत आरओज अपने अपने टीम्स के साथ कार्रवाई कर रहे हैं, जो अपने आरओज, एसडीओपीज, सीएमओज और सीओज जनपद कार्रवाई कर रहे हैं। और उसी तारतम्य में जो हमारे कोलाल नियंत्रण अधिनियम अंतर्गत भी हमने आपको जैसे ब्रीफ किया है, तो रात के 10 से लेकर सुबह 6 तक संपूर्णतः डीजेएस वगैरह प्रतिबंधित रहेगी, और ड्यूरिंग द डे परमिशन लेके ही अंडर परमिसेबल लिमिट्स कोई भी लाउड हेलर्स वगैरह की उपयोग किए जाएंगे। और जो प्रिंटर्स को भी ये निर्देश दिया गया है कि जो भी प्रिंटिंग भी करेंगे धारा 127 अंतर्गत आरपी एक्ट के, जो हमें मुद्रण जो भी कर रहे हैं, जो पैम्पलेट्स इत्यादि पे अपना नाम और एड्रेस ज़रूर वो छापेंगे, और नंबर ऑफ कॉपीज का ज़रूर उसका उल्लेख करेंगे। वॉल पेंटिंग्स इत्यादि भी के ऊपर भी कार्रवाई की गई है, और आज काफ़ी उसमें सभी जगह कार्रवाई भी हुई है। और जो हमारे ज़िले में भी 101 केसेस जिला बदर के भी आज किए गए हैं, जो ऐसे असामाजिक तत्व है या जो इलेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं, वैसे 101 लोगों को जिला बदर भी आज के दिन में किया गया है, जिससे
लॉन्ड ऑर्डर शांतिपूर्वक रहे। हमारे यहाँ पे जो सारे मतदान केंद्र पर भी जो 50% ऑफ द मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग और इसका प्लान किया गया है, जिससे शांतिपूर्वक मतदान हो। इलेक्टोरल रोल्स हमारे प्यूरिफाई किया गया है। इस बार ये खुशी की बात है कि हमारी ईपी रेशो जो है 65% है और हमारा जेंडर रेशो जो है 882 है, जो 859 था जो बढ़ के 882 हो गया, जो कि महिला मतदाता भी है। हमारे सारे मतदान केंद्रों में अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, जिससे कि मतदाता आए, आगे आए और एक उत्सव की तौर पर मतदान करे और बढ़ चढ़ के इस प्रोसेस में हिस्सा ले। सर पैसा कितना लेकर चल? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अंतर्गत हम लोग जो भी बैंक विड्रॉल्स करेंगे उसका हमें प्रूफ ऑफ रिकॉर्ड रखते हुए हम लोग कैरी कर सकते हैं। अबव 10 लाख के कैश जो भी कैरी कर रहे होंगे उनका इन्फॉर्मेशन जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दी जाएगी, जिस हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है उस पर कॉग्निजेंस लेगा और एक्शन लेगा। इंटेंशन कैश कैरिंग पे नहीं, इंटेंशन कोई भी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी कैश को मिसयूज़ करने को रोकने पर है, जो SSTs और FSTs इस पे कार्रवाई करेंगे, जो बाकी SOPs के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह उस पे कार्रवाई करेंगे। मोबाइल एक्सेसरीज के थोक विक्रेता, हमारे यहाँ कुशल इंजीनियरों द्वारा हर प्रकार के सैमसंग, आईफोन, नोकिया, वीवो, MI, हॉनर, ओप्पो, मोटोरोला आदि मोबाइल की बेहतरीन रिपेयरिंग की जाती है। अब आप अपना मोबाइल रिपेयरिंग कराएं विद ओरिजिनल पार्ट्स के साथ जस्ट वन टेलीकॉम। हमें आईफोन स्पेशलिस्ट, हाईवे प्लाजा के सामने, मंडी चौराया, मथुरा।